तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20,000 के अंडर आने वाले सैमसंग के बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में। वेल 20,000 की प्राइस में वैसे तो सैमसंग के काफी सारे स्मार्टफोन्स आते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने उन बेस्ट स्मार्टफोन्स को पिक किया है जो सबसे पहले तो 5G स्मार्टफोन्स हो, जिनमें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 778G तक की पावरफुल परफॉर्मेंस, हाई रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के साथ में अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाए। बाकी ये सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं तो इनमें वन यूआई आती है जिसमें आप बिना किसी ऐप के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस इस यूआई के साथ में रहता है। तो उम्मीद आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो 20,000 के अंडर टॉप स्मार्टफोन्स की लिस्ट में नंबर 3rd पर आता है सैमसंग का गैलेक्सी F23 5G। यह फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है तो इसे आप ओनली फ्लिपकार्ट के थ्रू ही परचेज कर सकते हैं। यह एक 5G स्मार्टफोन है, इसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलती है और यह 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रखी है। वैसे इसकी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट से काफ़ी स्मूथ फील होती है, लेकिन LCD डिस्प्ले में AMOLED जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं रहता। बाकी अगर आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो वह भी इस लिस्ट में अवेलेबल है, बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। बाकी इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर दिया गया है तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वहीं इसके कैमरास के बारे में बात करें तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और साथ में 2MP का मैक्रो शॉट्स के लिए कैमरा दिया गया है। और फ्रंट साइड में इसके 8MP का सेल्फी कैमरा आता है। बाकी इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और 25W की फास्ट चार्जिंग को यह सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट, सैमसंग की फुल नॉक्स सिक्योरिटी और 12 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू ही सैमसंग का 5G स्मार्टफोन लेना है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 14,000 में मिल रहा है। वहीं अब अगले स्मार्टफोन की बात करें तो नंबर 2 पर आता है सैमसंग का गैलेक्सी M33 5G। अब यह अमेजोन एक्सक्लूसिव है तो इसे आप लोवेस्ट प्राइस में अमेजोन के थ्रू ही परचेज कर पाएंगे। इसमें 6.6 इंच की साइज वाली डिस्प्ले दी गई है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले है। इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 22MP के इसमें कैमरा दिए गए हैं मैक्रो शॉट्स और डेप्थ सेंसिंग के लिए। बाकी इसके फ्रंट साइड में 8MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है। तो इसकी कैमरा क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और सैमसंग के सभी स्मार्टफोन्स कैमरा डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। बाकी इसकी और डिटेल्स के बारे में बात करें तो गैलेक्सी M33 5G में एक्जिनोस 1280 प्रोसेसर दिया गया है और यह सेम प्रोसेसर गैलेक्सी A53 5G में मिलता है। अब देखो परफॉर्मेंस इसमें स्नैपड्रैगन 750G के बराबर ही देखने को मिलती है, तो डे टू डे टास्क और नॉर्मल गेमिंग के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यह 6 और 8GB रैम के 2 ऑप्शन में आता है और 128GB की इसमें स्टोरेज दी गई है। बाकी इसमें SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जिसका यूज़ करके आप इसकी स्टोरेज को फर्दर 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। यह 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जिसमें सैमसंग की फुल नॉक्स सिक्योरिटी और 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। वैसे फिलहाल इसी स्मार्टफोन पर काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसके चलते आप इसे 14,000 की प्राइस में परचेज कर पाएंगे। तो इन सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहां से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो 20,000 की प्राइस में बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है सैमसंग का गैलेक्सी M52 5G। फिलहाल यह अमेजोन पर 19,999 में मिल रहा है, जिस पर आप कुछ बैंक ऑफर्स भी यूज कर लेते हैं तो इसे 18,999 के लोवेस्ट प्राइस में परचेज कर पाएंगे। दोस्तों इसमें 6.7 इंच की 1080p रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है और इस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। इसके साथ ही यह 7.4mm की थिकनेस वाला स्मार्टफोन है, तो यह एक लाइट वेट फोन है और लुकिंग वाइज भी अच्छा लगता है। जहां पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 6nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो यह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस तो निकाल कर देगा ही, साथ ही यह पावर एफिशिएंट भी रहेगा, तो इसमें बैटरी भी काफ़ी लंबी चलने वाली है और अगर आप इसमें गेम्स भी खेलना चाहें तो हैवी गेम भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही 5G कनेक्टिविटी की बात करें तो सैमसंग ने इसमें 11 5G बैंड का सपोर्ट दिया है और यह 4G कैरियर एग्रीगेशन को भी सपोर्ट करता है, तो इसमें इंटरनेट स्पीड अच्छी देखने को मिल जाएगी और 11 5G बैंड के चलते फ्यूचर में यह 5G को भी अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। वहीं अब इसके कैमराज के बारे में बात करें तो इसके रियर में 64+12+5MP का ट्रिपल कैम सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो इसमें कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपको बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो लिस्ट में नंबर 1 वाले स्मार्टफोन को देखिए। इसके अलावा इसमें सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी, NFC, UltZ लाइफ और सिक्योर फोल्डर जैसे सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और यह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है
तो इसके 6GB और 8GB रैम के दो ऑप्शन मिलते हैं जिनमें 128GB की स्टोरेज दी गई है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस पर काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है जिसके बाद में आप इसे 18,999 के लोएस्ट प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 20,000 के अंडर आने वाले सैमसंग के टॉप 3 स्मार्टफोन्स। उम्मीद आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।